हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस बाल को स्ट्रेट करूंगी लॉरियल स्ट्रेटनर क्रीम से। आप देख सकते हो ये बाल कुछ इस टाइप का दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा मेढ़ा है और हल्का सा कलर भी है जो कि मैंने किया था। अभी मैं इसको स्ट्रेट करूंगी लॉरियल पैरिस से और देखूंगी कि क्या ये स्ट्रेट होता है या नहीं होता है। मैं खुद से घर पे ट्राई करूंगी क्योंकि पार्लर में सजेस्ट किया जाता है कि लॉरियल ही यूज करें अपने हेयर को स्ट्रेट करने के लिए। तो मेरे पास लॉरियल क्रीम है और मैं इसको लगा के आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या ये सच में काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्रीम लॉरियल एक्सटेंसो, आप देख सकते हो लॉरियल पैरिस की तरफ से जो है मैंने स्ट्रेटिंग क्रीम मंगाया था और मैंने एक बार यूज किया है अभी कुछ दिन पहले ही, वो भी थोड़ा सा यूज किया था और बाद बाकी सारे क्रीम पड़े हुए हैं। और फिर मैं आज यूज करने वाली हूँ और आप लोग को दिखाने वाली हूँ क्या ये घर में हम लोग कर सकते हैं या सच में घर में काम करेगा या नहीं, वो मैं आज देखने वाली हूँ कि क्या ये सच में काम करेगा एक्सटेंसो या नहीं। तो चलिए मैं हेयर पे अप्लाई कर रही हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अगर हेयर स्ट्रेट कर रहे हो तो आपको जो है डिस्पोजल ग्लव्स पहनना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आप नहीं पहनोगे तो आपके जो हैंड है, फिंगर है, उसमें कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि मैंने ट्राई किया था बिना ग्लव्स के तो मेरे को बहुत ही हाथ में इचिंग हो रहे थे और बहुत ज्यादा मेरे नेल्स के पास दर्द हो रहा था, वो भी 2-3 दिन तक दर्द हुआ। इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया और ये आज ही आया है और आज मैं इसको अप्लाई करूंगी और फिर देखूंगी कि कैसा रिजल्ट आता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, ये रहा मेरा ग्लव्स जो मैंने पहन लिया है और ये है मेरा लॉरियल का एक्सटेंसो हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम। सबसे पहले हम ये वाला लगाएंगे एंड इसके बाद हम लोग स्मूदिंग क्रीम लगाएंगे। तो फर्स्ट टाइम ये यूज करना है, इसके बाद हेयर को वॉश करके स्ट्रेट करके वो वाला यूज करना है सेकेंड वाला। तो इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी और कैसे अप्लाई करना है आपको तो पता ही होगा। इसको बस थोड़ा थोड़ा सा लेके अपने बालों पे अप्लाई करना है और पूरे अच्छे से मसाज करना है, खींच खींच के करना है और 30 मिनट के बाद उसको वॉश कर लेना है। ये क्रीम निकाल लिया है और अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ। ये रहा बाल और मैं अभी इसको करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे इसको करना है। सबसे पहले हम लोग थोड़े थोड़े से बाल लेंगे और जो रूट है उससे 1 सेंटीमीटर दूरी पे इसको अच्छे से मसाज करेंगे हम लोग, और वो भी 2-3 मिनट तक मसाज करते रहना है हम लोग को। इस तरह से अच्छे से हल्के हाथों से इसको 5-6 बार मसाज करना है और पूरे जड़ में नहीं लगाना है, वरना आपके जो है रूट जो है वो वीक हो जाएंगे और सारे बाल झड़ जाएंगे और आप टक ले हो सकते हाँ तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने स्ट्रेट कर लिया है बाल को और अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। आपको बहुत ज़्यादा क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इतना लगाना है जितना में कि आपका बाल पूरा स्ट्रेट हो जाए और पूरे अच्छे से मसाज करना है अपने बालों पे ताकि वो जो है बहुत अच्छे से सीधा हो जाए। अब मैंने इतना कर लिया। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने पूरे बालों पे क्रीम अप्लाई कर लिया है पूरे अच्छे से और अब इसको आधे घंटे के बाद इसको वॉश करना है और उसके बाद इसको स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करना है एंड उसके बाद वापस से सेकंड क्रीम इस पे लगाना है। जो है बालों को वॉश करके स्ट्रेटनर से सॉरी ड्रायर से सुखा लिया है बाल को और ये बाल अभी भी कुछ इस टाइप का है, थोड़ा सा टेढ़ा ही दिख रहा है। घर पे क्या है, ऊपर का तो पूरा स्ट्रेट हो गया है लेकिन नीचे का थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है। अब मैं नंबर 2 क्रीम लगा के देखती हूँ आखिर ये क्या होता है, रिजल्ट आता है या नहीं आता है। आप देख सकते हो इसको मैंने बाल को जो है स्ट्रेट कर लिया है स्ट्रेटनर से। ये रहा मेरा फिलिप्स का स्ट्रेटनर है और आप जो है नोवा वगैरह लोकल का लोकल छापने मत कीजिएगा स्ट्रेट, उससे क्या होगा आपका बाल जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। इसीलिए आप जो है फिलिप्स का करें या कोई अदर ब्रांड का करें। देखिए बाल में कितने शाइनिंग आ गए हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है और देखने में काफी लाइट और छूने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है बाल, देख सकते हो। अभी नंबर 2 बाकी है स्मूदिंग का, अभी मैं उसको लगाने वाली हूँ फिर मैं आप लोग को पूरे अच्छे से दिखाऊंगी कि कैसे हुआ नहीं हुआ, आप देख सकते हो। गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने नंबर 2 भी लगा लिया है बालों पे पूरे अच्छे तरह से, लेकिन ये हील हील के पूरा बाल टेढ़ा कर ली है। लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं स्ट्रेट होता है या नहीं परमानेंटली, ठीक है। तो ये देखिए, ऐसे आप लोग ना हिले, अगर आपको कोई भी काम हो तो आप किसी और से करवा ले, ये जो है खुद का काम खुद करती है, इसे हील हील के पूरा बाल खराब कर लिया अपना। हाँ तो गाइस, आप देख सकते हो कि बाल जो है पूरी तरह से सीधा हो गया है और वो भी मैंने घर पे किया है, खुद से किया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है, कितना सॉफ्ट लग रहा है बाल देखने में और छूने में भी। मैंने पूरा तो ड्राई नहीं किया है,
हल्का सा ड्राई से सुखा दिया है ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं। देखिए ये बाल कुछ इस टाइप का दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा। आप भी अपने घर पे आराम से घर लॉरियल से अपने हेयर को स्ट्रेट कर सकते हो। जो पार्लर में आप इतना 8,000-9,000 रुपए दोगे ना, घर पे आपको थोड़ा सा मेहनत पे आप आराम से स्ट्रेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा दिख रहा है बाल, आप देख सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और लॉरियल जो है बहुत अच्छा है आपके हेयर को स्ट्रेट करने के लिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।